हम गुजरात में भी यही कह रहे हैं, 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, तो भी कहा जा रहा है ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं आज वो बिल लेके आया हूं आपके सामने जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं, 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है। ये देख सकते हैं आप, बिल पड़े हैं बिजली के बिल, ये भी है 25,000 बिल लेके आया हूं। कोई भी बिल आप चेक कर सकते हो, ले लो, नाम है, एड्रेस है, गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, उस पे नाम लिखा हुआ। आज की डेट तक, टिल डेट, लगभग 75 लाख मीटर है पंजाब में बिजली के मीटर, 61 लाख घरों को बिजली का बिल जीरो आया। मैं 25,000 तो एक जस्ट छोटा सा एक नमूना लेके आया हूं सिंबॉलिकली। 61 लाख आउट ऑफ 75 लाख जो मीटर हैं उनका बिजली का बिल जीरो है, और दिसंबर का जो बिल होगा उसमें 67 लाख का हो जाएगा, क्योंकि सर्दी होती है तो एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, कंजप्शन कम हो जाती है। और जनवरी का जो बिल होगा उसमें 71 लाख आउट ऑफ 75 लाख घरों का बिजली का बिल जीरो आएगा। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। तो यहां भी हो सकता है ये गुजरात में, हमने वादा किया है और करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप बाद में आप बिल जो हैं वो देख भी लेना, कहीं तो माइनस में भी आए हैं, -50 -260, तो पहले से जो ज्यादा लिए हुए थे बिल अब उसमें से माइनस, मीटर का सिर्फ रेंट डाल के करते हैं। हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने 15 अगस्त तक जनतक कर दिए, वो चल रहे हैं, लाखों लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। 26 जनवरी तक हमारा टीचा 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक और बनाने, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। सेंटर की एक कमेटी है, उसने चेक भी किए हैं और वो संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए हैं। हमने गारंटी दी थी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की, ओपीएस का हमने नोटिफिकेशन दे दिया, कैबिनेट में बात हो गई, बस आने वाले दिनों में उसका जो खरड़ा तैयार करके मुलाजिमों के साथ बैठकर, और वो भी हम चालू कर देंगे।